स्टूडेंट वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग एक थर्ड पार्ट सेल का स्टडी करेंगे। आप लोगों ने अभी तक सेल का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसके विषय में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। दिस इज द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है और ये है क्या? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती है और एक प्रकार से सेल ऑर्गेनेल्स है। ये ग्रुप है सेल ऑर्गेनेल्स का जो कि मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड दीज आर कॉमनली कंसिडर्ड एज ए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग स्टडी किस चीज़ की करते हैं? फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। अब इनको एक साथ क्यों स्टडी हम लोग करते हैं? क्योंकि इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर में काफ़ी क्लोजनेस होती है, यानी ये आपस में कोरिलेटेड होती हैं। इनके फंक्शन से भी कोरिलेट करते हैं और क्योंकि मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करती है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड लुक दिस फिगर स्टूडेंट, दिस इज ज्वाइंट विद न्यूक्लियस, दिस इज द ईआर। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ये एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ी हुई संरचना होती है जो कि पतली पतली बहुत सारी नलिकाओं से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का कॉमनली कॉल्ड ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई संरचनाएं होती है, जिनमें से आप लोग जो देख रहे हैं दीज आर द सिस्टर्नी। बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपस में जुड़ी होती हैं, दीज आर जॉइंट टूगेदर एंड फॉर्म सिस्टर्नी। सेकेंड वन ट्यूब्यूल, जो आप इस तरह से ट्यूब टाइप की संरचनाएं देख रहे हैं, ब्रांचिंग होती है जो ट्यूब जैसी दिखाई देती है। और थर्ड वन इज वेस्क्यूल। स्टूडेंट इनको सबसे पहले पोर्टर, एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने स्टडी किया। इन्होंने सबसे पहले ईआर की स्टडी की। अब ये क्या करती है कि चूंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है, अब इसके चारों ओर देखा जाए तो ये सपोज करिए कि ये सेल है, तो ये हुआ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जा रहा है, इनका एक पार्ट न्यूक्लियस से जुड़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरा पार्ट बाहर की ओर जा रहा है, यानी ये एक तरफ इधर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और दूसरी तरफ न्यूक्लियस से जुड़ी। ये करती क्या है कि एक प्रकार से सेल का स्केलेटन बना रही है, नहीं कर पाई जा रही, तो एक प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है सेल को। और ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांट रही है। कौन कौन सा पार्ट? एक पार्ट तो इसके अंदर का पार्ट है और दूसरा पार्ट है इसके बाहर, यानी ल्यूमेन, इसको कहा जाता है ल्यूमेन। नली जो नलिकाएं पाई जा रही हैं, ट्यूब पाई जा रही हैं, इनके अंदर के पार्ट को स्पेसिस को ल्यूमेन बोला जाता है। और तो ल्यूमेन वाले पार्ट में साइटोप्लाज्म भरा रहता है एक प्रकार से, और दूसरा इसके बाहर यानी एक्स्ट्रा। तो दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है और एक प्रकार से नेट जैसी संरचना पूरे सेल में बनाई रहती है, तो सारे ऑर्गेनेल को एक प्रकार से बांधे भी रहे। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं?
कुछ ऐसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जिनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, दीज आर द राइबोसोम, दीज आर द टीनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाते हैं तो अब इसका मतलब ये है कि राइबोसोम क्यों प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी मानी जाती है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में ही भाग लेते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करते हैं और प्रोटीन बना करके इन्हीं ट्यूब्स के ल्यूमेन वाले पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्रोटीने इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं ट्यूब्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करती है। अब चाहे ये वैक्यूम तो हों, वेस्किल तो हों, चाहे ट्यूब तो हों और चाहे सिस्टर्नी, यहाँ से अब ध्यान से देखिए तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका कांटेक्ट है, तो अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जाना है तब भी इनसे होकर के ट्रांसफर हो जाती है, और न्यूक्लियस से होकर के बाहर कोई चीज़ आनी है तब भी इनके माध्यम से आ जाती है। हालांकि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर कोर पाए जाते हैं जिनसे अंदर बाहर कुछ पदार्थ आया जाया करते हैं, लेकिन क्योंकि इससे कांटेक्ट में होती हैं तो प्रोटीनेशियस पदार्थ या एंजाइम वाले पदार्थ इससे होकर के ट्रांसफर होते हैं। तो ये हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दो टाइप के ट्यूब पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप। एक को बोलते हैं स्मूथ, ER, एंड सेकेंड वन इज रफ, रफ ER। स्मूथ ER किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर राइबोसोम्स ना पाए, तो राइबोसोम नहीं होंगे तो इसका मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन से संबंधित इनका कोई कार्य भी नहीं होगा। दूसरा जो स्मूथ रफ पाए जाते हैं, रफ ER पाए जाते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे तो इनका कार्य प्रोटीन से संबंधित हो जाएगा, प्रोटीन इसी के अंदर होती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट होती है। ये है स्पेशली इनके फंक्शन। अब चूँकि स्मूथ वाली जो पाई जाती है, कुछ ट्यूब्यूल्स जैसे इस टाइप की हैं, ये स्मूथ है, अब इनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो इनमें क्या होता है कि या तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड स्पेशली लिपिड आर फाउंड इन दीज ट्यूब्यूल, और कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ये बन। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हो गया लिपिड का फॉर्मेशन करना या कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करना, स्टेरॉल, और रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनका मेन उद्देश्य होता है कि जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक दूसरा सेल है जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहता है, ये इसी के पास पाया जाता है, यहां पर कहीं आसपास पाया जाता है इस टाइप। इस टाइप ये ER है, ER से जुड़ी हुई ये गाजी कॉम्प्लेक्स, तो गाजी कॉम्प्लेक्स इसी से बिल्कुल अटैच रहता है, लगभग जुड़ा हुआ। अब गाजी कॉम्प्लेक्स को खोजा किसने था, डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गाल्गी ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनकी खोज की थी, कैमिलो गाल्गी इसकी खोज मतलब गाजी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। अब कैमिलो गाल्जी ने खोजा तो ये देखा कि इनमें दो फेस पाई जाती है, एक को बोलते हैं सिस फेस या फार्मिंग फेस, यानी इनकी ये जो फेस पाई जाती है सिस फेस या फार्मिंग फेस कहलाती है, और दूसरी फेस ये जो पाई जाती है इसको ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। दिस इज द ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस, दिस इज द सिस फेस और फार्मिंग फेस। ये जो फेस होती है ये न्यूक्लियस की तरफ होती है, यानी ये फेस जो पाई जा रही है दिस फेस इज न्यू, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दिस फेस इज सिस फेस,
या फार्मिंग फेज, और दिस फेज इज ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, यानी मैच्योरिंग फेज न्यूक्लियस से दूर, यानी न्यूक्लियस ये है, फिर ईआर है, फिर उसके बाद ये आ जाए। अब इन दोनों के बीच में कुछ वेसिकल्स पाई जाती हैं जिनको ट्रांजिशनल वेसिकल बोला जाता है। ट्रांजिशनल वेसिकल का क्या काम होता है कि ईआर से कुछ पदार्थों को लेकर के और इसी में बाल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर कर देंगे, ईआर से लेंगी और लेने के बाद इसमें ट्रांसफर कर देंगी। तो जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगी तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स में भी देखो ट्यूब्स पाई जा रही है, इनमें भी सिस्टर्न पाई जा रही, लंबी लंबी नलिकाएं पाई जा रही, इन्हीं से होते हुए ये और ये दूर की तरफ जाती है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ती इधर की तरफ, क्योंकि ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो ये आपस में अटैच है। स्टूडेंट गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में थ्री टाइप की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं सिस्टर्नी, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो सेकेंड टाइप की होती है वेसिकल, जो छोटी छोटी थैलियों की जैसी संरचनाएं होती हैं, वेसिकल बोला जाता है। ये वैक्यूल्स होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, तो इनसे टूट टूट करके ये सब निकला करते हैं, यानी यहाँ से ये वैक्यूल्स टाइप के हैं, ये टूट करके निकल रहे हैं और ये आगे चल करके प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, दीज आर द प्राइमरी लाइसोसोम। तो यानी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी ये करते हैं। अब इनके जो फंक्शन हैं वो कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन ये करते हैं, जैसे इनका पहला जो मेन फंक्शन है वो सेक्रीशन करने का है। सेक्रीशन, सेक्रीशन किस चीज का करते हैं, ये चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ले रहे हैं प्रोटीन वाली चीजों को या एंजाइम वगैरह को, और ये अपनी सिस्टर्नी में होकर के आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते ये देखो थैलियां ये छोटी छोटी इन्हीं से निकाल करके बाहर करते हैं, यानी ये निकल करके इधर आते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर के ये बाहर निकलते हैं, यही यानी ये उन सेल्स में स्पेशली पाए जाते हैं जहां पर सेक्रीशन करने का काम होगा। सेक्रीशन डिफरेंट टाइप के जैसे हार्मोन्स निकल रहे हैं या एंजाइम वगैरह का सेक्रीशन होता है, तो वहां पर विशेष रूप से इनका कार्य हो जाता है सेक्रीशन करने का। सेकंड का सेकंड फंक्शन क्या करते हैं कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, सेल डिवीजन अगर होता है तो सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट बनाते हैं। थर्ड काम क्या है, सेल डिवीजन के समय सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का जो सबसे अगला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, तो एक्रोसोम ये बनाते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन सेल के अंदर करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को सबसे पहले डी डुबे, ही इज द साइंटिस्ट डी डूबे, इन्होंने जो है सबसे पहले इनको लाइसोसोम को डिस्कवर किया। अब ये लाइसोसोम क्या काम करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम का फॉर्मेशन यही करते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, जैसे सल्फेटेज है, फॉस्फेटेज है, हाइड्रोलेजेज है, या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनके अंदर लाइसोसोम के अंदर भरे रहते हैं। अब लाइसोसोम करते क्या है, लाइसोसोम के कांटेक्ट में अगर कोई सेल ऑर्गेनेल आ जाए तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, या कोई फूड मटेरियल आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं ये स्वयं डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी ये खुद ही फट जाते हैं, तो इसीलिए इनको सोसाइटल बैग बोला जाता है, और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, दिस इज द ट्रैफिक पुलिस, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ये नष्ट हो जाती है। अब सुसाइडल बैग ये करते क्या है, इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि जैसे मेंढक होता है फ्रॉग, तो इसका टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा में उस समय टेल पाई जाती है, तो टेल
और उसके बाद जैसे ही ये मेच्योर होता है आगे चल करके एडल्ट में जाता है तो वो टेल गैप हो जाती है। तो टेल इसकी धीरे धीरे लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट की जाती है अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर वो एब्जॉर्ब भी होती, बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है। तो धीरे धीरे जब एडल्ट में आता है तो टेल इसकी समाप्त हो जाती है। तो ये इनका मेन रोल है। ये जैसे कुछ सेल्स हैं जैसे अमीबा वगैरह यूनिसेलुलर जीव हैं, तो अमीबा में जैसे डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है सेल के अंदर, तो वहाँ पर फूड वैक्यूल्स होती है। तो फूड वैक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम ही करती है, क्योंकि लाइसोसोम है डिफरेंट टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स या न्यूट्रिक एसिड वगैरह को डाइजेस्ट, फास्फेटेड सल्फेटेड बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं, और इनको सोसाइटल बैग बोला जाता है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? वैक्यूल। वैक्यूल एक प्रकार का रिक्त स्थान है, एम्प्टी स्पेस है जो सेल के अंदर पाया जाता है। स्पेशली प्लांट सेल में ये बड़ी बड़ी पाई जाती है, 1 or 2 लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। लेकिन वैक्यूल्स और दूसरे टाइप की भी होती हैं, जैसे फूड वैक्यूल या गैस वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये 4 टाइप्स की वैक्यूल्स होती हैं। तो ये जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इनको सैप वैक्यूल्स बोला जाता है। सैप वैक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो पदार्थ भरा होता है मैटर, दैट इज कॉल्ड सेल सैप। और इनकी जो बाहर की लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंशन द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो आपको बताना है टोनोप्लास्ट। और सेल सैप जो पाया जाता है, इसके अंदर भरा हुआ एक प्रकार का लिक्विड होता है। ये काम क्या करता है सेल के अंदर? अगर ये इसका अंदर का कंसंट्रेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी रहती हैं, एक्सिक्यूटिव पदार्थ हो सकते हैं, सेक्रेटरी पदार्थ हो सकते हैं, या रिजर्व फूड मटीरियल भी कुछ भरे रहते हैं, एक प्रकार से स्टोर हाउस का काम करता है सेल के अंदर का। तो इसकी वजह से सेल में कंसंट्रेशन घटा बढ़ा करता है, और उसकी वजह से सेल के अंदर पानी आ रहा है ऑस्मोसिस द्वारा, या सेल से बाहर पानी निकल रहा है, ये डिपेंड करता है कि कब कौन सी सेल फ्लैसिड स्टेज में आ जाएगी, पिचक जाएगी, या कब टर्गिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और स्पेशली जो इसके एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर समझ लीजिए, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं स्पेशली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, लेकिन ये है कि करते ये हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एसिडिक या बेसिक में ये कोई मैटर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है, अब आ जाइए इसमें, तो सेल टाइप में सेल टाइप जो पाया जाता है वो वैक्यूल के अंदर पाया जाता है और टोनोप्लास्ट से कवर्ड हो जाता है। दूसरे टाइप के वैक्यूल्स होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये पाए जाते हैं जो जल में पाए जाने वाले एक्वाटिक यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे पैरामीशियम अमीबा वगैरह। ये वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर में, वाटर से ही ये ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो काफ़ी मात्रा में पानी इनके अंदर आ जाता है। तो उस पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल तो कुछ एल्गी पाए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं और गैस बनाते हैं, गैस बनी होती है जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं तो पानी में तैरा करते हैं, तो उससे वो मदद करते हैं तैरने में, फ्लोटिंग में। और एक चौथे टाइप के वैक्यूल होते हैं फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा वगैरह है, ये फूड वैक्यूल के रूप में भोजन को स्टोर लेता है बाहर से, और उसी फूड के, फूड को वैक्यूल के रूप में अपने अंदर रखता है। अगर लाइसोसोम के कॉन्टेक्ट में वो फूड वैक्यूल आ जाता है तो वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये आपने चारों अंग पढ़े सेल आदमी, फोर जो आपने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। दीज सेल ऑर्गेनेल आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। अब लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो ये पाई जाती है, और इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो चूंकि मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं हैं ये, और आपस में इनके फंक्शंस को रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट, बाय दिस वीडियो योर प्रॉब्लम विल बी क्लियर, और आप लोग जो है इसको अच्छे ढंग से देखिए, समझ लीजिए, समझ करके सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं उनको अच्छे ढंग से लर्न करिए। थैंक यू।